हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिर एक नए पौधे से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपके सामने रखा हुआ है। इसका जो कलर है वो कितना खूबसूरत है, और साथ ही साथ इसकी जो लीव्स है उनका भी कितना प्यारा पैटर्न है। तो आप सब आई एम श्योर कि बहुत एक्साइटेड होंगे इसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। तो इसे वॉन्डरिंग जो बोला जाता है, और ये इंडिया में बहुत फेमस है। जो भी गार्डनर्स होते हैं उनके पास आपको ये पौधा जरूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ इसकी केयर शेयर करने जा रहा हूँ कि इसकी कैसे केयर करनी होती है। वैसे तो ये बहुत इजी टू केयर प्लांट है, पर अगर किसी भी प्लांट की हमें केयर करना नहीं पता होती तो डेफिनेटली वो डाई हो ही जाते हैं। तो जितनी ईजी इसकी केयर होती है उतना ईजी इसका प्रोपगेशन भी होता है, और साथ में दिखता भी उतना ही खूबसूरत है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और गार्डनिंग करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप भी एक अंडर बजट में होते होंगे, आप महंगे प्लांट्स नहीं बाय कर पाते होंगे। तो आप ज़रूर इस पौधे को खरीदें, ये बहुत खूबसूरत दिखता है, और साथ ही साथ इसका प्रोपगेशन भी बहुत इजी होता है। तो आप इसे बहुत आसानी से बढ़ा पाते हैं। तो अब चलिए आगे हम इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अब हम सबसे पहले इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ कि इसके लिए हम सॉइल मिक्सचर कैसा बनाएं, हम कैसी सॉइल इसके लिए प्रिपेयर करेंगे जिससे हम गले नहीं। बहुत बारी क्या होता है, जो हमारे प्लांट है वो अगर हम अच्छे से सॉइल मिक्सचर नहीं प्रिपेयर करते हैं तो वो गल जाता है और मर जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले जिस भी प्लांट की आप सॉइल मिक्सचर चेक करें, सबसे पहले उसका टाइप चेक करें कि ये प्लांट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स हैं उन पर हल्की हल्की जो वैक्सिंग कोटिंग है, और जो इसका जो तना है आप उसके अंदर भी देख सकते हैं हल्का सा पानी भरा हुआ है। तो डेफिनेटली एक सकलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमें इसके लिए ऐसी सॉइल बनानी है जिसके अंदर पानी ठहरे ना और तुरंत इससे पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको उसके अंदर क्या क्या लेना है। तो मैं आपको सॉइल मिक्सचर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो सॉइल मिक्सचर है उसके अंदर मैंने सैंड ली है, कोकोपीट ली है, मिट्टी ली है और कंपोस्ट लिया है। बेसिकली मैं इसको हैंगिंग पॉट में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि एक बेल है तो आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं इसको हैंगिंग पॉट में नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं कोकोपीट का रेशियो बहुत कम रख रहा हूँ। पर अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाने वाले हैं तो आप कोकोपीट डेफिनेटली ज़्यादा लें। नहीं तो क्या होता है, जो अगर हम कोकोपीट ज़्यादा नहीं लेते और मिट्टी वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे जो हमारी हैंगिंग बास्केट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, जिससे हम कहीं भी अगर उसको हैंग करते हैं तो हमारी जो छत वगैरह है उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और बहुत बारी क्या होता है, हम जो नेल्स वगैरह फिट करते हैं जिन पे हम टांगते हैं वो भी निकल आते हैं, जिससे हमारा पेड़ भी टूट जाता है और प्लांटर भी टूट जाता है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें जो कोकोपीट है उसका रेशो ज़्यादा लेना है अगर हम हैंगिंग में लगा रहे हैं। तो ये जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है, हम इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो जो तीनों चीज़ें हैं उनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली हमें सैंड इसमें इसलिए मिक्स करनी होती है जिससे इसमें पानी ठहरे ना, और कोकोपीट क्या करता है, इससे को एक अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं इसमें कोकोपीट मिलाता हूँ, उससे हमारे गमले हैं वो भी हल्के रहते हैं। तो जो हमारा सॉइल मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको गमला बता देता हूँ कि इसके लिए हमें कैसा गमला लेना है। तो बेसिकली मैंने इसके लिए ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लिया है, मैंने छोटा ही गमला लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ये एक ट्रेलिंग प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बेल है तो ये नीचे की साइड लटकती है, तो हमें ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए लेना नहीं है। तो मैंने एक छोटी साइज़ का गमला लिया है, क्योंकि अभी मेरा प्लांट है वो भी छोटा ही है। तो मैंने ये इस साइज़ का गमला लिया है, और जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, तो मैंने इसमें जो ड्रेनेज होल है वो भी बना लिए हैं। तो अब हम जो सॉइल मिक्सचर है वो हमारे पॉट में भर लेते हैं, और उससे पहले जो हमारे ड्रेनेज होल है हम उन्हें ईंट के टुकड़ों से कवर कर लेते हैं, जिससे जो हमारा सॉइल मिक्सचर है वो इससे बाहर ना निकले। अब जो सॉइल मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था इसके लिए, वो हम हमारे पॉट में भर लेते हैं। तो हमने जो हमारा सॉइल मिक्सचर है वो उससे पॉट आधा भर लिया है। अब हमारा जो प्लांट है उसको हम इसमें लगाते हैं। तो गाइस, इसे मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और आप देख सकते हैं कटिंग से कितने अच्छे से तैयार हुआ है। मैंने एक ग्रोइंग बैग के अंदर इसकी कटिंग लगा दी थी, लगभग इसको एक डेढ़ महीना हो गया इसमें लगी हुई, और आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से ग्रोथ की है। तो इसे कटिंग से लगाना भी बहुत ईजी होता है। तो हम जो एक
ग्रोइंग बैग है, इसको फाड़ लेते हैं और आप देख सकते हैं इसमें जो रूट्स है वो भी कितने अच्छे से डेवलप हुए हैं। तो आप इसे कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम इसे बिना इसका रूट बॉल डिस्टर्ब किए हुए ऐसे कैसे हमारे पॉट में लगा देते हैं। तो हमने जो हमारा प्लांट है वो पॉट में रख दिया है और जो साइड में जगह बच रही है वहाँ पे हम और सोइल डाल देते हैं। तो आप इनको साइड में करके अच्छे से इसमें सॉइल भर दीजिए। ऐसे ही बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा है, जैसे मैंने अभी इसमें ये लगाया है तो ये एक महीने के अंदर तो लगभग ये पूरे पॉट को कवर कर लेगा और नीचे तक हैंग करना शुरू हो जाएगा। मैं बेसिकली इस पॉट को एक स्टैंड के ऊपर रखूंगा जहाँ से नीचे से लटकता हुआ बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप अगर इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है, पर बस आप सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखिए, जैसे जो सॉइल मिक्सचर है उसको काफ़ी हल्का बनाइए अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो। बाकी ये हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है। और जैसे जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े उनके नीचे से पॉट्स खाली रह जाते हैं कई बारी, क्योंकि वो प्लांट्स जो होते हैं बड़े होते हैं और पॉट भी उनका बड़ा होता है तो वो खाली रहता है। तो उसके नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं, ये नीचे से आपके पॉट को कवर कर लेगा और एक बहुत अच्छा लुक देगा। तो जो सॉइल मिक्सचर है वो हमने भर लिया है, अब हम इसमें पानी दे देते हैं। एक बार जो मिट्टी है उसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए इसमें। अब हम हमारा जो पौधा है वो हमने लगा लिया है, अब हम इसके अंदर पानी दे लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा प्लांट है वो हमारे इस पॉट में लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। तो पानी डालते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब हम फर्स्ट टाइम पेड़ को लगाते हैं तो हमें अच्छे से पानी डालना है, फिर पानी हम जब भी डालें हमें अच्छे से ही डालना है, इतना डालना है कि जो नीचे वाले जो ड्रेनेज होल होते हैं उनसे पानी निकलना शुरू हो जाए, उससे ये श्योर हो जाता है कि आपने हर रूट को पानी दे दिया है। तो अब हम पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी में एक सकलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हमें इसे तभी पानी देना है कि जब इसकी टॉप सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपको पता लगे कि हाँ इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तब आप इसको पानी दें। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे और इसकी सॉइल अगर सोगी रहेगी तो इसकी जो रूट्स है वो गल जाएंगी और ये पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही इतना टफ केयरिंग प्लांट नहीं है, अगर आप एक बिगिनर है और आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है तो भी आप ये पौधा ला सकते हैं। बस थोड़ी बहुत केयर कर आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा साथ देगा और बहुत अच्छा आपके गार्डन को एक लुक भी देगा। और जैसे आपके और भी गार्डनर दोस्त है तो आपको ये खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कटिंग से बहुत ही ईजीली लग जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसका प्रोपगेशन बहुत ही ईजी होता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी जो रूट्स है वो आई हुई है, तो बस यहाँ से आप इसको क्लिप कीजिए नोट से और मिट्टी में ये जो उसके ऊपर की एक दो लीव्स है इनको रिमूव करके आप उसमें गाड़ दीजिए, तो ये आराम से उसमें अब जो अपने रूट्स है वो डेवलप कर लेगा और लगभग महीने डेढ़ महीने में जो अपनी बेल है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा और बहुत जल्दी बहुत ही घना हो जाएगा। तो बस ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। हमने इसके प्रोपगेशन की भी बात कर लिया, इसका प्रोपगेशन बहुत ही ईजी है। और हाँ, आप इसको वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाटर में अच्छा लगता है तो आप इसको वाटर में भी लगा के रख सकते हैं, ये वाटर में भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर हाँ, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो पानी है वो आपको रेगुलरली चेंज करते रहना है। तो अब हम इसकी सनलाइट की बात कर लेते हैं कि हमें इसे कैसे सनलाइट प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली ये जो पौधा है ये एकदम बिल्कुल इंडोर प्लांट भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा जो कलर है, अगर आप इसे बिल्कुल इंडोर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसे हल्की सी जहाँ ब्राइट लाइट आती है आपके घर में वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं, किसी भी विंडो वगैरह के पास में, उससे क्या है ये अपना कलर भी मेंटेन रखेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और अगर या फिर आप अगर इसे डायरेक्ट सीधी धूप में रख देते हैं तो भी जो आपका वॉन्डरिंग जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो जलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तो बस सनलाइट में आपको इतने से बात ध्यान रखनी है कि आप जहाँ पे अच्छी रोशनी होती है और सूरज बिल्कुल नहीं आता है, मतलब जो सूरज की सीधी किरण है वो नहीं पड़ती है, वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। बाकी ये बहुत इजी टू केयर प्लांट है, आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
तो आई होप कि मैंने आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे दी है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है या फिर कोई जो रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्लांट ख़राब हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये पेड़ अच्छा लगा और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिससे वो भी ऐसा सुंदर पेड़ अपने घर में लगा सकें। और ये बहुत ईजी टू केयर प्लांट है, तो इसको हर टाइप के लोग लगा सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन का बटन दिया होता है उसको आप ज़रूर दबाएं। अगर आप वो बटन नहीं दबाते हैं तो मेरी जो अगली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू।